नमस्कार। इस बुलेटिन के साथ मैं हूँ आपके साथ पूजा सिंह। नमस्कार। सबसे पहले देश में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अनन्या बेदी। और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर। राजौरी के टेंट हाउस में लगी है आग। टेंट हाउस में आग लगने से हड़कंप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियां। फायर ब्रिगेड की इन 23 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने की क्या वजह थी ये अब तक नहीं पता चल पाई है। टेंट हाउस में भयानक आग लगी है और हड़कंप मच गया आसपास के इलाकों में। और जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टेंट हाउस जो कि राजौरी में है वहां पर आग लगी है। और आग लगने की इस घटना के बाद चारों तरफ हड़कंप मचा। 23 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर, राजौरी के टेंट हाउस में आग लगने की घटना सामने आई। टेंट हाउस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंची है सूचना मिलने पर। इसके बाद आग बुझाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है, आग पर काबू पा लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से टेंट हाउस में आग लगी है। और क्योंकि भारी संख्या में कहा जा सकता है कि कपड़ा होता है टेंट हाउस में, और जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप धारण किया हुआ है, आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से आग जो है विकराल रूप धारण करती नजर आई। और उसके बाद जो है 23 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। टेंट हाउस में आग लगने से हड़कंप मचा है और आग किस वजह से लगी हालांकि अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन वहां पर फायर फाइटर्स पहुंचे थे मौके पर और आग पर काबू पाया गया। सूचना दी गई थी पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, और उसके बाद जो है वहां पर पहुंचकर टेंट हाउस में लगी आग पर काबू पाया गया।